Hello everyone, welcome back to the BSc classes. Today we are going to start with our new chapter, that is petal. So aaj hum log kaun sa chapter padhne wale hain? 10th chapter of class 1st maths, that is petal. So pehle jante hain petals hota kya, thoda iske bare mein jante hain hum log detail mein. Petals ka matlab hota hai ki jo cheez bana hai usko hum aage aur follow karte rahe, wahi cheez repeat karte rahe. To kya ho gaya? Pattern ho gaya. Jab wahi cheez baar baar repeat hota hai usko kya kehte hain hum log? Petals kehte hain, theek hai? तो ये हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको हम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे. चलिए हमने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सटेंड द सीक्वेंस, मतलब इस पैटर्न को आगे फॉलो करते जाओ. देखिए एक बार एरो नीचे है, एक बार ना एक बार ऊपर है, एक बार नीचे एक बार ऊपर है, तो क्या करेंगे? फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, 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 है ना? यही कर दिया. क्या हो गया? यही पैटर्न हो गया. हमने इसी को फॉलो करता किया, जैसे बना था उसको हमने और बढ़ाता गया, तो क्या हो गया? हो गया एक पैटर्न हो गया ये. चलिए देखते हैं इसमें. देखिए टू लाइन, फिर एक सर्कल, फिर टू लाइन्स, एक सर्कल, फिर टू लाइन्स, फिर क्या आएगा? एक सर्कल आएगा. फिर क्या आएगा? टू लाइन्स, फिर एक सर्कल आएगा, फिर टू लाइन्स, फिर क्या आएगा? एक सर्कल आएगा. फिर क्या आएगा? टू लाइन, फिर क्या आएगा? एक सर्कल आएगा, फिर क्या आएगा? टू लाइन. ठीक, चलिए अब देखिए. एक बार एरो नीचे, एक बार एरो मतलब एक बार एरो ऊपर है, एक बार एरो नीचे, फिर एक बार ऊपर है, फिर एक बार नीचे, तो आपकी क्या होगा? एरो ऊपर होगा. क्या होगा? ऊपर होगा. फिर एरो नीचे होगी, फिर क्या होगा? एरो ऊपर होगा, फिर एरो नीचे होगी, फिर एरो ऊपर होगा, फिर एरो नीचे होगी, फिर एरो ऊपर होगा, फिर एरो नीचे होगी, फिर एरो ऊपर होगा, फिर एरो नीचे होगी. तो ये सब क्या है? ये सब पैटर्न है. क्या है? पैटर्न है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिए एक बार वी ऊपर, एक बार उल्टा वी, एक बार सीधा वी, एक बार उल्टा वी, तो आपकी क्या हुआ? आपकी सीधा वी, फिर उल्टा वी, फिर सीधा भी, फिर उल्टा भी, फिर सीधा भी, फिर उल्टा भी. ठीक, समझ आया? मतलब जो चीज़ बना है हमें उसको आगे फॉलो करता रहना है. ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है हमारे लिए. ठीक है ना? देखिए दो बार सर्कल, एक बार रेक्टेंगल, दो बार सर्कल, एक बार रेक्टेंगल, फिर दो बार सर्कल, एक बार रेक्टेंगल, फिर दो बार सर्कल, एक बार रेक्टेंगल. ठीक, फिर देखिए एक बार मैंगो, एक बार एप्पल, एक बार मैंगो, एक बार एप्पल, फिर क्या आएगा? फिर एक बार मैंगो, एक बार एप्पल, फिर एक बार मैंगो, फिर एक बार एप्पल, फिर एक बार मैंगो, फिर एक बार एप्पल, है ना? समझ आया आप लोगों को? चलिए फिर देखिए एक बार W सीधा, एक बार M, एक बार W, एक बार M, तो आपकी क्या बनेगा? आपकी W, फिर M, फिर W, फिर M, फिर क्या बनेगा? फिर W. ठीक, समझ आया? तो हमने क्या, ये क्या हुआ? ये एक पैटर्न हुआ. जो चीज़ इस साइड बना था हमने उसको आगे बढ़ाता गया, तो क्या बन गया? ये हमारा पैटर्न बनता गया. ठीक है, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? पैटर्न नाम्स है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस. ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस में क्या आएगा आगे? ठीक है, देखिए एक बार गोला, एक बार पूरा सूरज, एक बार सर्कल, फिर एक बार सूरज, तो आगे क्या बनेगा? देखो अगर ये वन है तो ये टू है, फिर क्या हुआ? ये वन है, फिर ये टू है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ वन आएगा, वन पे क्या है? सर्कल है, फिर टू पे क्या है? सूरज है, तो सूरज बना देंगे हम लोग, है ना? फिर वन पे क्या है? सर्कल है. ऐसे ही देखिए ये वन पे अगर ये है तो टू पे ये है, वन पे ये है तो टू पे ये है, तो यहाँ वन क्या होगा? वन पे क्या है? ये, तो इसको बना देंगे वन पे. टू पे क्या है? ये, तो यहाँ टू लिख दो. बहुत ही इजी वे में समझा रहे हैं हम. फिर वन पे ये बना दोगे, है ना? समझ आया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं. देखो वन पे क्या है? ड्रॉप है. सेकेंड पे क्या है? ये. फिर वन पे ड्रॉप है, फिर सेकेंड पे लिखिए, तो वन पे क्या होगा? ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप बना देंगे हम लोग. फिर सेकेंड में बना देंगे एक सर्कल
और एक स्ट्रेट लाइन, फिर क्या बना देंगे, ड्रॉप बना देंगे। समझ आया आप लोगों को? चलिए तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट पैटर्न में हमारा फर्स्ट पे फ्लावर है, सेकंड पे लीफ है, फिर फर्स्ट पे फ्लावर है, सेकंड पे लीफ है, तो फर्स्ट पे क्या होगा, फ्लावर होगा, क्या होगा, फ्लावर होगा, है ना। तो फर्स्ट पे हम लोग फ्लावर बनाएंगे, है ना। मेरा थोड़ा चल नहीं रहा माउस, तो आप लोग वो ना करिएगा कि मैं बना नहीं पा रही हूँ दीदी। लेकिन फर्स्ट पे क्या होगा, फ्लावर होगा, क्या होगा, फ्लावर होगा। सेकंड पे क्या होगा, अगर ये फर्स्ट हुआ फिर ये सेकंड होगा ना। सेकंड पे क्या है, लीफ है, क्या है, लीफ है, फिर फर्स्ट है यहाँ, तो फर्स्ट पे क्या होगा, फ्लावर होगा, क्या होगा, फ्लावर होगा। ठीक, देखिए फर्स्ट पे एक वो है, फिर सेकंड पे स्माइली है, फिर फर्स्ट पे दूसरा इमोजी, फिर सेकंड पे स्माइली है, तो फर्स्ट पे क्या होगा, इमोजी बना है ना, ये जो ओ कर रहा है तो ओ वाला इमोजी बना देंगे हम लोग। फिर सेकंड पे क्या है, स्माइली है, तो स्माइली बना देंगे हम लोग। फिर फर्स्ट पे क्या है, इमोजी है एक, है ना, तो इमोजी बना देंगे हम लोग, है ना, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। देखिए फर्स्ट पे क्या है, एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, और सेकंड पे क्या है, एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है। तो फर्स्ट पे एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, और सेकंड पे रेक्टेंगल के अंदर सर्कल। फर्स्ट पे क्या है, सर्कल के अंदर क्या, रेक्टेंगल, फिर सेकंड पे क्या है, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल, फिर क्या है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल, है ना, हो गया। चलिए फिर फर्स्ट पे क्या, एक मैट, सेकंड पे एक ड्रॉप, फिर फर्स्ट पे मैट, सेकंड पे ड्रॉप। फर्स्ट पे क्या बनेगी, मैट बनेगी, है ना, या इसको एक वो कह सकते हैं हम लोग मैथ्स में, क्या कहते हैं, रॉम्बस, वो है। सेकंड पे क्या हुई, ड्रॉप हुई, ठीक। फिर फर्स्ट पे क्या है, एक मैट है, ठीक, समझ आया आप लोगों को इतना। चलिए नेक्स्ट क्या है, पैटर्न्स इन द शेप, मतलब अब शेप में पैटर्न्स है। फिल इन द बॉक्सेस इन द सीक्वेंस, मतलब अब जहाँ जहाँ छूटा है वहाँ हमें पैटर्न्स को फिल करना। देखिए एक पत्ती, एक फूल, एक पत्ती, तो बीच में क्या होगा, फूल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ फूल मिसिंग है। फिर एक पत्ती, फिर एक फूल, फिर क्या होगा, यहाँ यहाँ पत्ती होगी, है ना, कितनी पत्ती, दो पत्ती होगी, ठीक। देखो एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, एक सॉरी एक सर्कल, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, एक ट्राइंगल, फिर एक क्या होगा, रेक्टेंगल, फिर एक सर्कल, फिर क्या होगा बीच में, ट्राइंगल, जो चीज़ मिसिंग है उसको हम लोग कर रहे हैं ना। देखो यहाँ वन है, एक बार वन, यहाँ दो बार वन, यहाँ तीन बार, तो यहाँ कितनी बार होगा, यहाँ चार बार वन होगा, कितनी बार होगा, चार बार वन होगा, बीच में क्या लिखेंगे, वन, यहाँ पांच बार, यहाँ तो कितनी बार, सिक्स होगा, सिक्स बार वन होगा, है ना, सिक्स बार वन हो गया, यहाँ सिक्स बार वन लिख देंगे हम लोग, बस इतना सिंपल है, है ना। फिर देखिए यहाँ एक कैंडल, सॉरी यहाँ दो कैंडल, तो यहाँ चार कैंडल, यहाँ कितनी कैंडल, यहाँ सिक्स कैंडल, तो यहाँ कितनी होगी, हाँ अगर ये दो है, चार है, छः, तो यहाँ कितनी होगी, यहाँ एट कैंडल्स होगी, कितनी कैंडल्स होगी, एट कैंडल्स होगी, है ना, कितनी कैंडल्स होगी, एट कैंडल्स होगी। यहाँ कितनी कैंडल्स होगी, यहाँ टेन कैंडल्स होगी, है ना, कितनी कैंडल्स होगी, यहाँ टेन कैंडल्स हो गई, यहाँ टू, यहाँ फोर, यहाँ सिक्स, यहाँ एट, यहाँ टेन कैंडल्स हुई, है ना। देखो यहाँ एक लीफ है, यहाँ थ्री लीव्स है, यहाँ कितनी लीव्स है, यहाँ सेवन लीव्स है, है ना। अगर यहाँ वन है, यहाँ थ्री है, और यहाँ फाइव लीव्स है, तो यहाँ कितनी होगी, यहाँ सेवन लीव्स होगी ना, कितनी लीव्स होगी, सेवन लीव्स होगी, तो यहाँ वन लीव, ये टू लीफ, ये थ्री लीफ, ये फोर लीफ, ये फाइव लीफ, ये सिक्स लीफ, ये सेवन लीफ, ठीक। यहाँ देखो यहाँ नाइन लीफ होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ कितनी होगी, नाइन लीफ। देखो ये एक पेंटागन बना है, पेंटागन से एक निकल गया, फिर यहाँ दो निकल गया, फिर यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ भी एक निकल जाएगा, बस इतना रहेगा, है ना। यहाँ एक डॉट बनेगा, यहाँ एक डॉट बनेगा, और यहाँ एक डॉट बन जाएगा, ठीक, समझ आया। ये सब क्या है, ये सब एक पैटर्न है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर।
यहाँ क्या करना है, पैटर्न को पढ़ना है और जहाँ मिसिंग नंबर है उसको लिखना है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। 7 के बाद क्या आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 11 आएगा। यहाँ कितना हुआ, प्लस 2 करते जा रहे, कितना कर रहे हैं, प्लस 2 कर रहे हैं हम लोग। सारे क्या नंबर है, ये सब ऑड नंबर लिख रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं, ऑड नंबर। देखो फर्स्ट 1 ऑड नंबर, उसके बाद 3 ऑड नंबर आता है, फिर 5 ऑड नंबर आता है, फिर 7 ऑड नंबर आता है। तो सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस 2 करते चले जा रहे हैं। बस इतना सिंपल है ना। देखिए इस कैटरपिलर में क्या है, ये 22 21 20 क्या लिख रहा है, ये बैकवर्ड नंबर है। क्या है, बैकवर्ड नंबर। तो 20 के बिफोर क्या आता है, 19 आता है। 19 के बिफोर क्या आता है, 18 आता है। फिर 18 के बिफोर 17, फिर 16, है ना। चलिए अब इसमें क्या है, ये फॉरवर्ड नंबर क्या कर रहा है, ये प्लस 10 करता जा रहा है। क्या कर रहा है, ये प्लस 10 कर रहा है हर डब्बे में, ठीक है। तो देखो 10 है, 20 है, फिर 30, यहाँ क्या होगा, 40 होगा। ये आप समझ लीजिए, या फिर 10 का टेबल लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं, 10 का टेबल सबसे ईजी। क्या लिख रहे हैं हम लोग 10 का टेबल, देखो 10 वन 10, 10 टू 20, 20 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, ठीक। चलिए इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग 11 का टेबल लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 11 के टेबल, या फिर समझ लीजिए क्या कर रहे हैं लोग, प्लस 11 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लस 11। देखो 11 वन 11, 11 टू 22, 11 6 33, 11 4 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77। समझ आया, ठीक। यहाँ क्या है, 5 10, तो ये 5 का टेबल है, या फिर आप समझ लीजिए प्लस 5 कर रहे हैं हम लोग। 5 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 6, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। समझ आया, ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। या फिर हम समझ लीजिए इसमें 5 ऐड कर रहे हैं, या फिर 5 का टेबल लिख रहे हैं, एज मच ईजी, ठीक। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लस 3 ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है, प्लस 3 ऐड हो रहा है। ये पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, प्लस 3 ऐड करें। जब इसमें प्लस 3 ऐड करें, 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5, 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, ठीक। कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द पैटर्न्स। देखो इसमें एक ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल, इसमें तीन ट्रायंगल, तो इसमें कितने ट्रायंगल, इसमें 4 ट्रायंगल होंगे। इतना इजी है ना। चलो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, फिर 5 ट्रायंगल होंगे इसमें, है ना। देखो इसमें 3 फूल्स हैं, इसमें 4, इसमें 5, तो इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने फ्लावर्स होंगे, इसमें तो 6 फ्लावर्स होंगे, है ना। अगर इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5 है, तो इसमें कितने फ्लावर होंगे, 6 फ्लावर होंगे। तो 6 फ्लावर बना लेंगे हम लोग, तो इसमें कितने फ्लावर होंगे, इसमें 11 फ्लावर्स होंगे। इसमें देखो 2 है, 2 सर्कल्स, इसमें 4, इसमें 6, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 8 होंगे। कितने होंगे, इसमें भी 8, इसमें 8 होंगे, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 10 होंगे। इसमें कितने होंगे, इसमें 10 होंगे। अगर इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो इसमें 6 होंगे, इसमें 8 होंगे, तो इसमें 10 होंगे। चलो इसमें कितने हैं, 1 है, इसमें 2, 3 है, इसमें 5 है। इसमें कितने हो गए, अगर इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 7 होंगे। कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, 7 क्या हुए, क्रॉस वाले हुए। क्या हुए, 7 क्रॉसेस हुए, 7 क्रॉस वाले सर्कल्स होंगे, तो इसके अंदर क्रॉस बना देंगे हम लोग, है ना। वन थ्री फाइव सेवन, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 9 होंगे। कितने होंगे, 9। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग ऐड करते जाते हैं। इसमें क्या पढ़ता है, इसमें नंबर बढ़ता है ना। इसमें कितना कितना हम लोग ऐड कर रहे हैं, प्लस 2 ऐड कर रहे हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला, क्या है ये सब, क्या है ये सब, ऑड नंबर है, क्या है ये सब, 1 3 5 7 ये सब क्या है, ये सब ऑड नंबर है, ठीक है।
देखो इसमें 5 स्टार्स है, इसमें 4 स्टार है, इसमें कितने हैं 3 स्टार, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 2 स्टार्स हो जाएंगे, है ना। इसमें कितने स्टार होंगे, इसमें 1 स्टार होंगे खाली, ठीक। देखो इसमें 1 मैचेस्टिक, इसमें 2 मैचेस्टिक, इसमें 3 मैचेस्टिक, तो इसमें कितनी मैचेस्टिक, 1 मैचेस्टिक, 2 मैचेस्टिक, 3 मैचेस्टिक, इसमें 4 मैचेस्टिक होंगे, इसमें कितनी मैचेस्टिक होंगे, इसमें 5 मैचेस्टिक, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितनी हुई, अगर इसमें 4 मैचेस्टिक्स हुई, है ना। इसमें 4 मैचेस्टिक्स हुई, इसमें 5 मैचेस्टिक्स हो गई, है ना। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पैटर्न। ये देखो इसमें एक ट्राइंगल है, इसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल और एक सर्कल होगा। इसमें देखो एक ट्राइंगल दो सर्कल होगा, तो इसमें कितनी होगी, एक ट्राइंगल 3 सर्कल हो जाएगी, है ना। इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी जाएगा। अब इसमें कितने होंगे, इसमें 4 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, ठीक, समझ आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, कंप्लीट द पैटर्न, तो आगे हम लोग पैटर्न बनाए। देखो इसमें 2 है, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें क्या होगा 10 होगा, इसमें क्या होगा 12 होगा, इसमें क्या होगा 14 होगा। अब आप लोग पूछेंगे इतनी जल्दी कैसे कर ली आप दीदी, तो इसमें प्लस 2 ऐड करते जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, प्लस 2 ऐड करते जा रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए 2 का टेबल, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14, ठीक। इसमें क्या है, इसमें फॉरवर्ड नंबर है 27 28 29, इसमें क्या आएगा 30 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 33 आएगा, ठीक, समझ आया। इसमें देखिए 25 30, फिर इसमें अब इसमें क्या आएगा, इसमें 35 आएगा, इसमें 40 आएगा, इसमें 45 है, इसमें 50 हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें 55 हो गया। अब दीदी आप पूछेंगे दीदी इसमें कैसे की, इसमें देखो प्लस 5 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस 5 ऐड हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, ठीक, समझ आया आप लोगों को। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये 7 हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, हाँ यहाँ 10 होगा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ 13 होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ क्या होगा, 19 होगा। अब आपको पूछेंगे दीदी ये कैसे, तो हम लोग प्लस 3 करते जा रहे हैं, क्या करें, प्लस 3, देखो 1 प्लस 3 कितना हुआ, 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, ठीक है, समझ आया। इसमें प्लस 3 ऐड हुआ, इसमें प्लस 5 ऐड, इसमें प्लस 1 ऐड हुआ, ये तो फॉरवर्ड नंबर, ये तो ईजी था, ठीक। चलो ये क्या, ये बैकवर्ड नंबर 15 13 11 11, के बाद 9 7 5 3, ये क्या हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस 2, 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 2 11, इसमें क्या हो रहा है, माइनस 2 होता जा रहा है, नंबर कम होता जा रहा है, हम इसमें माइनस कर रहे हैं, तो हमारा ये पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक। अब ये रही, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग प्लस 10 ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस 10 ऐड कर रहे हैं, या फिर समझ लीजिए 10 का टेबल कर रहा है, 10 to the 20, 10 to the 30, 10 to the 40, 10 to the 50, 10 to the 60, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा। पैटर्न क्या होता है, ये एक तरह का सीक्वेंस होता है, जो नंबर बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है, ठीक है। उसमें नंबर्स हम या फिर ऐड करते हैं, या तो नंबर्स को हम बढ़ाते हैं, या तो नंबर्स को हम घटाते हैं, समझ आया आप लोगों को। चलिए आज हम लोग का चैप्टर यही ख़त्म होता है। हमने आज कौन सा चैप्टर पढ़ा, आज हमने अपना चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो कि क्या था, पैटर्न था। चलिए अगर आप लोग को समझ में आया हो वीडियो, तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी समझ सके इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।